नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बैठ चुके हैं फिर आज एक और नए रिएक्शन वीडियो का। तो आज हम करेंगे एक नए नागपुरी गाने का रिएक्शन, और ये गाना है आजा राजा, जो कि भैया 4 वीक पहले है अंजलि शर्मा प्रोडक्शन पे। ये गाना अच्छा खासा व्यूज ला चुका है, काफी ट्रेंड पे चल रहा था। इसकी मैंने एक झलकियां देखी इंस्टाग्राम रील्स पे, तो मुझे लगा भाई साहब ये गाना कुछ तो है देखने वाला, ठीक है, क्योंकि भैया इसका लाइन मुझे बहुत ही प्यार लगा था, काफी रोमांटिक सॉन्ग लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और रिएक्शन और रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसा ये गाना, कैसे रहते इसकी वाइब, कैसे रहते इसकी म्यूजिक, कैसे रहते इसकी लिरिक्स, सब चीज का आंसर मिलेगा। और लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं रिएक्शन का कार्यक्रम। तो भाई लोग कान में लगा के हेडफोन, चलिए शुरू करते हैं आजा राजा, जो कि भैया नागपुरी गाना है और 4 वीक पहले है। तो चलिए रखते हैं 3, 2, 1 लेट्स गो। अंजलि शर्मा प्रोडक्शन, ओके, मकर संक्रांति स्पेशल। अच्छा, यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करा, तुमने, ठीक है, कि भाई ये 2024 लिखा हुआ है, पर 2023 के पतंग भी करें, खैर उस चीज को मैंने नजरअंदाज करो। पर जैसे लोग जो शूट देख रहे थे वो पता चला कि भाई लोग कितने, मतलब देखो ओपन में तो जब तुम शूट करते हो ना, काफी लोग तुम्हारा मतलब ऐसे देखते हैं ना जैसे कि तुमने कोई मूवी बना रहे हो, मतलब काफी सेलिब्रिटी वाली फील आती है, तो वैसा वाला अप्रोच है। चलो देखते हैं आगे। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता था, फिर भी मैंने बोल दिया। भाई साहब, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं किया था, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि भाई इस तरीके का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से भाई साहब मतलब म्यूजिक बिल्ड होते जाता है ना, तुम्हारी मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई होते जाते रहती है, मतलब इट्स लाइक स्लो। ठीक है, कि तुम खड़े हो, ठीक है, और पानी बह रही है और तुम्हें क्या होता है फिसलने को कह रही है, ठीक है, उस तरीके से धीरे 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 पानी बहती है, देन सट से तुम्हें लेके चली जाती है, वैसा वाला स्टार्ट हुआ है भाई साहब। मतलब बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक के साथ स्टार्ट हुआ है, काफी मस्त मेलेडी था, मतलब मैंने आज तक नागपुरी गाना इस तरीके से स्टार्ट हुआ नहीं देखा। ठीक है, और भाई सब बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग है। ठीक है, अब आगे सुनना है मुझे, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया यही चीज सुन के, मतलब यही चीज इतना ही सुन के कि भाई आगे क्या है। ठीक है, क्योंकि भाई एक एक्साइटमेंट लेवल बिल्ड हो जाती है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती है कि भाई सब स्टार्ट इतना तगड़ा हुआ है तो आगे तो भाई सब और अप होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग 10% ही इतनी अच्छी है तो 90% कितनी बाप होगी। तो भाई सब वो वाला फील हो चुका है मेरे को, और देखना है आगे क्या सीन है। चलो देखते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। भाई यही वो लाइन था जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि मैंने रील्स में देखा था आजा रानी। और देखो भाई, ये जिस तरीके से स्टार्ट हुआ ना, मतलब ये मैं सिंगर का नाम जानना चाहता हूँ, पहले सिंगर कौन है इसका। ठीक है, आजा रानी नहीं, अच्छा ओरिजिनल, अच्छा ये सीजी सॉन्ग का रिमेक वर्जन है क्या, स्वप्निल जसवाल और बरखा। तो भाई इसको गाया है, मतलब जो मेल, मतलब मैं एक्चुअली मेल वोकल को जानना चाह रहा था, इसे गाया किसने, क्योंकि भाई जो आवाज में एक ठहराव होता है ना, जैसे तुम, जैसे तुमने अगर सुना होगा अरिजीत का आवाज तो सुना ही होगा तुमने, सभी ने सुना है भाई साहब। तुम एक ये आते हैं कोई बर्मन करके हैं, ठीक है, जो कि अरिजीत की तरह ही उनका वोकल है। ठीक है, उनका एक गाना था कोई, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, उस तरीके का मुझे इनका वोकल लगा है। ठीक है, क्योंकि उसी तरीके की ठहराव और उसी तरीके का क्या बोलते हैं, गले में जो क्या बोलते हैं उसको, जो खरापन होता है ना जब तुम गाते हो, ठीक है, जब तुम्हारा वो
मतलब एक ऐसे सांस लेना भी तुम्हारा अच्छा लगता है, ठीक है, एक सांस लेना या फिर गले में खराश भी तुम्हारी निकलती है तो वो बहुत ही स्वीट लगती है। वैसा आवाज है भाई का, बहुत ही अच्छा आवाज है, ठीक है। स्वप्निल भाई आपने बहुत ही बेहतरीन गाया है, ठीक है, आपकी आवाज में वो ठहराव है, वो मेलेडी है, वो क्या बोलते हैं, एक फील है जब तुम किसी से कनेक्ट करते हो, वो फीलिंग है। और भाई साहब जिस तरीके से ये गाना लिखा गया है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक रोमांटिक अप्रोच के साथ कि भाई तुम अपनी जो तुम फर्स्ट टाइम जो एक वन साइडेड लव हो जाता है ना, फर्स्ट क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइड, ठीक है, वो वाला सीन के साथ कि भाई उस तरीके से प्यार हो गया कि जब से तुमसे देखे हैं तब से तुम्हारा मतलब बातें विचारे अपनी एक्सचेंज हो रही है। उसी तरीके से जब फीमेल वोकल आती है, बरखा आपने भी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, फीमेल वोकल जो आती है उसका एक अलग ही लेवल रहता है। दोनों ही वोकल कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होते हैं और कहीं एकदम अलग ही अप्रोच के साथ आते हैं और एक अलग पहचान बनाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेल वोकल ने पूरा लैमलाइट बटोर लिया, कहीं फीमेल वोकल ने, बट यहाँ पे मुझे मेल वोकल काफी ज्यादा पसंद आया। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, बट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और एक बात और कि ये गाना जो है एक छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़िया गाने का शायद रीमेक है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल क्रेडिट्स दिया हुआ है आजा रानी, जो कि सीजी सॉन्ग है, ठीक है, जो कि शायद ये गाना मतलब पता नहीं मैंने सुना या नहीं, पर ये एक साल पहले शायद आया था ये गाना, ठीक है। और भाई उसमें मैंने देखा नहीं था, पर उसी का रीमेक है नकपुरी में, ठीक है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़िया में, ठीक है, तो ये नकपुरिया में है, समझे, तो अच्छा है, पर उस पर ज्यादा व्यूज नहीं है मुझे लगता है, इस पर ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। देखो भाई जो गाने क्या होता है ना, कभी कभी ना गलत टाइम पर रिलीज हो जाते हैं और वो गाने उस टाइम पर नहीं चलते, बट अभी अगर तुम उसे रिलीज कर दो तो भाई वो मिलियन क्रॉस कर जाए, वो ये सॉन्ग में बात है, क्योंकि ये गाना बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बेहतरीन मेलोडी के साथ, मुझे तो भाई प्यार हो रहा है इस गाने से। चलो आगे सुनता हूँ। तो भाई सब आजा रानी दिल से तो कह कभी ना कर वो जुदा रे, पर एक चीज मैं भाई इसका म्यूजिक अंशुमन हांडी लिखा हुआ है, सॉरी। और भाई साहब अंशुमन जी आपने क्या काम करा है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल म्यूजिक है, ठीक है, जिस तरीके से आपने
पता नहीं सैंपल यूज करा है या फिर आपने रियली में उसे बजाया है, बट अगर आपने जो भी चीजें करी हैं, पर जिस तरीके से आपने मेलोडी को बिल्ड करा है, जिस तरीके से आपने सैंपल सेलेक्ट करे हैं, भाई साहब एक नंबर, ठीक है। और जिस तरीके से सिनेमैटिक लेयर जो बिल्ड करा है, सिनेमैटिक लेयर इन द सेंस ना, सिनेमैटिक लेयर एक ये चीज होता है कि एक म्यूजिक होती है, सिनेमैटिक म्यूजिक उसे कहते हैं, जो कि भाई जैसे एक होता है ना स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक म्यूजिक, ठीक है। और ये है स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक म्यूजिक, जिसमें ना कि ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, पेस, एक जो स्पीड होता है उस हिसाब से म्यूजिक चलते रहती है सिनेमैटिक वाइज, ठीक है। और उससे भाई साहब अब कैसे मैं समझाऊं, मतलब एक होता है कैटेगरी होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि भाई तुम्हारा जैसे एक पेस चलता रहेगा और उसी में वोकल चलते रहेगी विद मेलोडी के साथ, तो एक ऐसा लगता रहा कि तुम्हारे कानों में एक कहानी चल रही है, ठीक है, एक कुछ चीज दौड़ रहा है, म्यूजिक मतलब सुनाई नहीं दे रहा, दौड़ रहा म्यूजिक, ठीक है। वैसा भाई मतलब मेरा यही कह रहे हैं, मेरा एक्सप्लेन करने का यही सीन था, ठीक है, पर वैसा म्यूजिक के साथ। और क्या उसमें जो आपने मेलेडी सेलेक्ट करी है बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, जो इतना प्यारा और इतना मतलब, देखो भाई मुझे ये कहना है कि जो अगर इसकी लिरिक्स 5 है ना, ठीक है, तो इसकी म्यूजिक 5 और 5 के 6, 7, 8 है, ठीक है, क्योंकि भाई म्यूजिक ने ही जान डाली है, ठीक है, म्यूजिक ने ही जान डाली है इस गाने में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सिंगर जिन्होंने अपने वोकल के साथ जान डाली है इस गाने में, ठीक है, क्योंकि भाई देखो गाना लिखना बड़ी बात नहीं होती, गाना तो बहुत सारे लिखा जाता है, पर उसमें जान कौन डालता है, उसका म्यूजिशियन, ठीक है, जो कि भाई मेलेडी बिल्ड करता है। इवन अगर तुम इसे देखो सिर्फ नॉर्मल से नॉर्मली अगर कोई वोकल गा कर डाल दिया जाए तब उतना मजा नहीं आएगा, पर जब म्यूजिक बैठती है तब लगता है भाई साहब कुछ मैं गाना सुना, ठीक है। और वो ये म्यूजिक करती है और म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन था, आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। सॉरी कि मैं सबसे एंड में एड्रेस कर रहा हूँ म्यूजिक का, पर म्यूजिक बहुत मतलब स्टार्टिंग भी मैंने म्यूजिक से ही किया था, पर म्यूजिक बहुत ही फैंटेस्टिक था। प्लस में जो कास्ट है, ठीक है, वो मुझे काफी रिफ्रेशिंग और काफी नए लगे, विद अच्छा मतलब कॉम्बो था, केमिस्ट्री अच्छी थी, ठीक है। बट ओवरऑल ये एक सीजी सॉन्ग है, ठीक है। अब वो सॉन्ग क्या है कैसा है मैं नहीं सुना हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक रिएक्शन कर दूं, ठीक है, क्योंकि भाई ये गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा, ये गाना आई लव्ड इट, ठीक है। और ये नागपुरी वर्जन था उसका, सीजी सॉन्ग का, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़िया गाना है, ठीक है, तो भाई उसी का एक नागपुरी वर्जन था, पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये अगर मान कर को रिमेक है, ठीक है, उस गाने का, तो सोचो ओरिजिनल कितना बेहतरीन होगा, ठीक है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं उसको भी सुनने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसका भी रिएक्शन मैं डाल दूंगा, ठीक है, एक साथ दो कंटेंट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। चलिए इसके साथ हम लेते हैं, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। इसके साथ मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, चलो बाय।